2023 में हरियाणा के अंदर इस ट्रैक्टर को आप ले सकते हैं जी। आगे चलने में जिसकी स्पीड होगी 0.93 किलोमीटर से लेकर के डिमांड को देखते हुए इसके अंदर आपको बड़े टायर मिलने लग गए हैं जी। इसकी 49.5 HP लिखी मिलेगी। कीमत भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अलग अलग पंप है, हाइड्रोलिक का भी और स्टेयरिंग का भी। 46 HP की PTO पावर आपको जनरेट करके देगा। इसका जो SFC है वो 182.1। साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जी 2023 का न्यू मॉडल न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर। ये टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो साथियों इसके अंदर आपको फोर व्हील ड्राइव भी मिल जाएगा। तो साथियों आज इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी करेंगे जी और इस ट्रैक्टर की कीमत भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो किसान मेरे भाई नया न्यू हॉलैंड का 3600-2 ट्रैक्टर खरीदना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आज मैं किसान साथियों आपको दिखाऊंगा पहले इसकी शो। ये शो के अंदर 2023 के अंदर भी आपको उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल उसी तरह की आपको जो है इसकी शो देखने को मिलेगी। फ्रंट में इसकी बैटरी मिलने वाली है और कंपनी की ब्रांडिंग मिलेगी और हैलोजन लाइट इसके अंदर आपको मिलने वाली है जी। हाइट थोड़ी सी आपको इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी पहले से, क्योंकि इसके जो टायरों का साइज़ है, फ्रंट टायरों का साइज़ वो बड़ा कर दिया गया है। तो ऑलराउंडर की जो ब्रांडिंग है वो आपको, बैजिंग है जो, वो आपको क्रोम में मिलने वाली है जी, जो काफ़ी अच्छी देखने में लगती है जी। किसान साथियों ये ट्रैक्टर जो है ये पूरे 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो सबसे पहले बात मैं करूँगा आज इसके ट्रांसमिशन से। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये साइड शिफ्ट के साथ आता है जी। ओरिजिनल साइड शिफ्ट गियर बॉक्स इसके अंदर आपको मिलने वाला है जो कि कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स है जी। इसके अंदर आपको 12+3 UG स्पीड मिलने वाली है जी। इसमें यानी कि 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स हाई लो मीडियम के साथ। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर जो है आपको हाई लो मीडियम की स्पीड मिलती है जी। और ये ओरिजिनल साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है किसान साथियों। ओरिजिनल साइड शिफ्ट गियर बॉक्स हम इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि जब आप अपना हाथ जो है स्टीयरिंग से हटाते हैं तो वो सीधा जो है वो गियर लीवर के ऊपर ही जा करके रुकता है, इसलिए इसको ओरिजिनल साइड शिफ्ट गियर बॉक्स कहा जाता है। दोस्तों ये 12+3 स्पीड आपको देगा जी। कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स है जी ये। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्पीड की तो दोस्तों ये फ्रंट में जो स्पीड आपको देगा यानी कि आगे चलने में जिसकी स्पीड होगी 0.93 किलोमीटर से लेकर के 32.83 किलोमीटर की स्पीड इसकी आपको फॉरवर्ड मिलेगी। और अगर मैं इसकी बैक स्पीड की बात करूं तो वो आपको मिलेगी 1.5 किलोमीटर से लेकर के 15.60 की स्पीड इसकी आपको रिवर्स में मिलने वाली है। किसान साथियों ये ट्रैक्टर जो है ये डुअल क्लच के साथ है जी विद इंडिपेंडेंट PTO लीवर। ये इसका PTO लीवर है जी, इंडिपेंडेंट PTO लीवर इसके अंदर आपको मिलेगा। और इसका जो ब्रेक हैं वो आपको ऑयल बाथ टाइप के मिलने वाले हैं जी। ऑयल बाथ टाइप के आपको इसके अंदर ब्रेक मिलेंगे। और किसान साथियों इसकी जो सीट है वो आपको काफ़ी जो है आरामदायक सीट मिलने वाली है जी। जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप जो है काफ़ी आरामदायक आप महसूस होने वाला है सीट के ऊपर बैठने के बाद। स्टीयरिंग की बात करूं तो बहुत ही छोटा स्टीयरिंग है, काफ़ी सुंदर स्टीयरिंग है। और डिजिटल इसके अंदर आपको मीटर मिलने वाला है जी, हॉर्स मीटर डिजिटल होंगे, बाकी जो इंडिकेशन है वो सारी एनालॉग टाइप की होंगी। तो दोस्तों अब बात करूँ मैं इसके इंजन की, तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये पूरे 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है और RC पे आपको इसकी 49.5 HP लिखी हुई मिलेंगी। वही साइड से खुलने वाला ट्रैक्टर है ये, इसका जो बोनट है वो साइड से खुलेगा। ये देखिए जो एयर क्लीनर है इसके अंदर आप मिलेगा वो है जी OIB टाइप का, ऑयल बार टाइप का आपको इसके अंदर एयर क्लीनर मिलेगा। और रिकवरी बोतल इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाली है कूलेंट की। स्टेयरिंग का इसका अलग आपको ऑयल मिलेगा। 3 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है जी, 50 HP का है, बॉश कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है इसके अंदर। और ये ट्रैक्टर 2100 RPM पे अपनी फुल पावर आपको जनरेट करके देगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके टायरों की, तो इसमें जो फ्रंट टायर है आपको वो 750-16 के दे दिए हैं, पहले इसमें 650 के थे, लेकिन अब इसके अंदर जो है किसानों की जो डिमांड होने लगी है इसके अंदर आपको बड़े टायर मिलने लग गए हैं जी 750-16 के। जो पिछले टायर हैं वो 1428 के हैं जी, पिछले टायर छोटे हैं इसके अंदर। अब भी HP के हिसाब से इसके अंदर जो टायर हैं वो बिल्कुल सही हैं जी।
इसके अंदर आपको पंप मिल रहा है जी, अलग अलग पंप है, हाइड्रोलिक का भी और स्टेयरिंग का भी, दोनों के अलग अलग पंप है। नीचे वाटर सेपरेटर वगैरह इसके अंदर आपको मिलने वाला है, एक मिनी सेपरेटर यहाँ पे भी है। यहाँ से फिल्टर हो गए ही तेल जो आपकी टंकी के अंदर जाता है जी, और टंकी इसके अंदर आपको मिलती है जो वो है 60 लीटर की फाइबर की टैंक है जी। ये टूल बॉक्स है, ये भी फाइबर का है, और ये ट्रैक्टर जो है ये पावर स्टेयरिंग है जी साइड सिलेंडर के साथ। इसके अंदर जो आपको एक्सल मिलेगा वो आपको मिलने वाला है जी, एडजस्टेबल एक्सल है, यानी कि आप इसको अपने काम के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लेंगे। अब बात करें किसान साथियों इसके बैक साइड से, तो दोस्तों इसके अंदर आपको डबल डीसी वाल्व मिल रहा है जी। ये देखिए डबल डीसी वाल्व है, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट है, रिफ्लेक्टर है, हर सुविधा इसके अंदर आपको मिलेगी जो एक किसान को, किसान की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर हर फैसिलिटी आपको कंपनी दे रही है जी। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट ऑफ एडीडीसी के मिल रहे हैं जी, और इसके अंदर ट्रैक्टर के 24 सेंसिंग है। कंपनी कहती है कि ये ट्रैक्टर पूरे भारत में की जैसी भी मिट्टी है उनके लिए सूटेबल है। इसके अंदर आपको 1700 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है जी इस ट्रैक्टर के अंदर। इसके अंदर आपको 2000 केजी का भी ऑप्शन उपलब्ध है एजिस्ट आर्म के साथ। तो बहुत से ट्रैक्टर में आपने देखा होगा उनमें एजिस्ट आर्म लगी होती है जी, वो एक्स्ट्रा वजन उठाने के लिए दी गई है। PTOHP की बात करें तो इसके अंदर आपको 540 इकोनॉमिक और GPTO RPTO ये सुविधा इसके अंदर आपको मिलती है जी। और ये ट्रैक्टर है 46 HP की PTO पावर आपको जनरेट करके देगा। इसका जो SFC है वो 182.4 ग्राम पर HP के हिसाब से इसके अंदर आपको मिलेगा जी। उसके बाद बात करूँ मैं अगर इसके थोड़ा सा लिफ्ट के बारे में जी, तो देखिए किसान साथियों इसके अंदर जो है टोटल अगर छोटी बड़ी की बात करूँ तो पूरी इसके अंदर आपको 24 सेंसिंग मिलती हैं। लिफ्टोमेटिक इसके अंदर आपको मिल रहा है जी, यहाँ पे लिफ्टोमेटिक स्विच इसके अंदर आपको मिलेगा। हाइड्रोलिक को सेट करो, लीवर छेड़ने की आवश्यकता नहीं है जी, बार बार बस ये दबाओ और आपकी हाइड्रोलिक जो है जहाँ पे सेट किया है वहाँ पे काम करना ऑटोमेटिक शुरू कर देगी जी। पार्किंग ब्रेक इसके अंदर आपको मिल रहा है, हाइट लिमिटर इसके अंदर आपको मिल रहा है। तो किसान साथियों अगर हम अब बात करें इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में, सभी कंपनियों ने अपने ट्रैक्टर के जो रेट हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं जी। तो अब इस ट्रैक्टर की क्या कीमत है 2023 में हरियाणा के अंदर इस ट्रैक्टर को आप ले सकते हैं जी। ट्रैक्टर आपको 8 लाख में पड़ने वाला है। तो किसान साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर कोई कमी रहती है तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। नमस्कार।